2023 में एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर कैसे बने तो बिफोर आई गेट टू द मेन क्वेश्चन में आया कब so जब मैंने ना ना किया था ना प्रिफर नहीं करते थे क्योंकि वो टाइम पे सोशल मीडिया भी इतना टॉप पे नहीं था टिकटॉक था लेकिन टिकटॉक पे ना ज्यादा ब्रांड्स वगैरह नहीं आते क्योंकि उसका जो ऑडियंस था वो ब्रांड के पर्पेक्टिव से वैसा ऑडियंस नहीं था कि यार वो लोग खुद को प्रमोट कर सके वहां पर जो वीडियो एडिटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट था फोटो एडिटिंग हो हो बहुत ज्यादा पीक पे था दो हजार अठारह उन्नीस में क्योंकि यार, वो पोस्ट जो होता था, उसको बहुत प्रमोट करता था आई रिमेबर मेरे दो चार पोस्ट है दो हजार उन्नीस से हजार लाइक दो हजार लाइक्स और टाइम पे मेरे फॉलोअर्स कुछ दो हजार तीन हजार ही था और वो टाइम पे इतना ग्रोथ था लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बदलते गया, बदलते गया, जो फोटो एडिटिंग का पूरा इंडस्ट्री था ना वो बहुत ज्यादा डाउन चला गया एंड नाउट इज लिमिटेड प्रिंट मीडिया लिटिल बिट ऑफ इंस्टाग्राम ऑल्सो बट एट द सेम टाइम जो, मतलब जो एडिटिंग इस, इस तो न्यू भी हो और आपको दो हजार तेईस में एक फ्री लैंसर बनना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको बस एक कुछ चीज है जो आपको फॉलो करनी है सबसे पहली चीज जो दिखता है वो बिकता है अगर आपके पास कोई ब्रांड अभी करंटली नहीं भी है ना जिस स्टार्ट मेकिंग व्हाट एवर यू कैन फॉर एग्जाम्पल ये एक माइक है तो इस माइक का एक कमर्शियल रील बना लो पीछे यहाँ पे लाइट लगी हुई है इस लाइट का एक कमर्शियल रील बना लो कैमरा है इस कैमरा का एक कमर्शियल रील बना लो ये घड़ी है किसी भी चीज का जो आपके पास है अभी उसका एक कमर्शियल रील बनाओ शूट करो और खुद से एडिट करके ना उसका पूरा एक मोन्टाज बनाओ जैसे कि मान लो आपके दस पंद्रह वीडियोज है तो वो सारे वीडियोज को ना मर्ज करके एक पूरा आपका शो रील बनाओ और उस शो रील को इंस्टाग्राम यूट्यूब एक्सेट्रा एक्सेट्रा जहां आपको प्रमोट करना है ना आप प्रमोट कर सकते हो क्योंकि आज के टाइम पे ना एक स्टोरी अगर आप डालोगे ना दैट आई एम अ वीडियो एडिटर एंड

करती है आपको सिर्फ डेटा डालना है वो ऑटोमेटिकली एडिट कर लेगा और ये देख के यार मेरा दिमाग मतलब करेगा एडिटिंग ऑल्सो बिकॉज तो साथ, अगर आपको ये चारों चीजें एक साथ आने लग जाए ना तो आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हो नेक्स्ट स्टार्ट अडेप्टिंग वॉट इज द वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएस कैनेडा और वहां से सीखने की कोशिश करो कि वहां पे क्या टाइप की

મામાર્થ મામાર્થ सो टूडे विथ मी आई हैव द मामा अर्थ हनी मलाई फेस वॉश एंड द मामा हनी मलाई ऑइल फ्री मॉइस्चराइजर एंड इन दोनों को मैं यूज कर रहा हूं पिछले एक हफ्ते से और ये जो पॉल्यूशन की वजह से मेरे फेस का ग्लो खराब हो गया था ना इट इज कमिंग बैक बिकॉज ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स सो द मेन रीजन वाई आई यूज माम इज बिकॉज मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आर नेचुरल एंड केमिकल फ्री इसी के साथ वेन यू ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम मामर्थ दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अर ट्री दैट द प्लांट जिसका एक्जैक्ट जियो लोकेशन और स्पेशी आपको बता दिया जाएगा मामा इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड दट मीन्स ये जितना ज्यादा प्लास्टिक बनाते हुए से कई ज्यादा प्लास्टिक है ना रिसाइकिल करते हैं तो एनवायरमेंट बचाने की जो टेक्निक है मेरे को तो बड़ी पसंद आई सो इफ यू यू टू एनीथिंग फ्रॉम फ्रॉम कैन की वेबसाइट नाइका फ्लिपकार्ड एंड ऑफलाइन स्टोर्स नियर यू एंड इफ यू यूज माई कोड अमन तो आपको एक मस्त ट्वेंटी का डिस्काउंट भी मिलेगा लास्ट डू नॉट टू नॉ एंड आइड एप्लीकेशन जिसके ऊपर अगर कोई भी सेल या डिस्काउंट होगा तो उसके बारे में आपको पहले ही पता चल जाएगा सो नाउ आर यू वेटिंग फॉर फटाफट जाइए क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेंज योर लाइफ टू कमिंग बैक टू द वीडियो जो अगली टिप है ना ये थोड़ा ध्यान से सुनना तो मान लो आपको है ना एक वीडियो एडिटिंग का गिग मिला जो कि एक फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री का है और आपने वो काम करके उनको वापस रिटर्न दे दिया और अगले दिन आपको एक आ, मान लो स्मार्ट वॉच वाला ब्रांड अप्रोच करता है, है इसको यार मेरे को थोड़ा अच्छे से एडिट करना है तो तू करके देगा कि नहीं और अगर तू कर सकता है तो कैन यू सेंड मी सम ऑफ योर वर्क जो देख के मैं समझ सकूँ की भाई तेरा काम है कैसा तो एक तो रहेगा की आप शायद अपना शो रील वगैरह भेज दो लेकिन अगर आप एक बिगनर हो जिसने खाली थोड़े बहुत काम किए अब तक